नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 23 फरवरी, ठीक है, 23 फरवरी 2024 को एक नया नियम लगाया गया, जिसके माध्यम से जिसके भी नाम से जहाँ बंदी है वही जो है जमीन का रजिस्ट्री कर सकता है, यानी कि अपने जमीन को बेच सकता है। अब ऐसे में आप सभी जानते हैं कि नया नियम आ जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो जमीन है ना उनके नाम से है ही नहीं, ठीक है। उनका जो जमीन है उनके दादा, ठीक है, या फिर परदादा के नाम से है। तो ऐसे में वो अपना जमीन का किसी भी कारण रजिस्ट्री करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कई सारे लोगों को जो है जमीन बेचने में दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वो अपना जमीन का जो जमाबंदी है अपने नाम से करवाएंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी भी जमीन को आप खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका जो है आपको दाखिल खर्च करवानी होती है, फिर वो जमीन आपके नाम से होता है, यानी कि जमाबंदी आपके नाम से कायम कर दिया जाता है। तो ऐसे में मान लीजिए आपके दादा परदादा का जो भी जमीन है वो अपने नाम से आप रजिस्ट्री करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ज्यादा इसमें पैसे खर्चा करना पड़ जाएंगे, जो कि इसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है बहुत ज्यादा होता है। अब इसी को देखते हुए पारिवारिक बंटवारा करने के लिए एक नया नियम लगाया गया, जो कि लगभग मेरे हिसाब से 3-4 साल पहले 2021 में लगाया गया, ठीक है। इसके माध्यम से कहा गया कि कोई भी शेयर होल्डर जिनका जमीन जो है उनके दादा परदादा के नाम से है और अपने नाम से निबंधन करवाना चाहता है, तो पारिवारिक बंटवारा के आधार पे वो अपनी जमीन अपने नाम पे करवा सकता है, जिसमें उसको ज्यादा पैसे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उसमें बोला गया कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है 50 रुपया देना है, और जो स्टाम्प होता है उसका चार्ज आपको 50 रुपया देना है, यानी कि 100 रुपया में आपका जो ये काम है पारिवारिक बंटवारा वाला वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 100 रुपया में आपका प्रतिदिन एक डीड के लिए 100 रुपया ही आपको खर्चा करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं लगेगा। और इसके माध्यम से जो भी आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है उसे आप अपने नाम पे करवा सकते हैं, यानी कि पारिवारिक बंटवारा करवा सकते हैं। अब इसका हम रिजल्ट देखें, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी नियम लगता है ना, कोई भी प्रक्रिया लगता है, तो उसका कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट मिलता है। लोग सही होता है तो करवाते हैं, नहीं होता है नहीं करवाते हैं। तो देखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि अभी आप देखेंगे तो रजिस्ट्री का जो मतलब दर है बहुत ही कम हो गया है, जो नया नियम लगा हुआ है उसके चलते, ठीक है, बहुत कम मात्रा में आपका रजिस्ट्री हो रहा है, क्योंकि जिनके नाम से जमाबंदी है वही जो है जमीन बेच रहा है, दूसरा कोई नहीं बेच रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कमी हुआ है। लेकिन पहले आप देखते थे कि रजिस्ट्री जो है लगभग पर डे की हम बात करें एक दिन में, ठीक है, आपका 5,000 से 6,000 तक रजिस्ट्री पर डे एक रजिस्ट्री कार्यालय में होता था, ठीक है। जबकि बिहार सरकार ने बहुत पहले पारिवारिक बंटवारा को लेकर भी नियम लगाया, जिसमें आप देखेंगे तो 2022 की बात करें, ठीक है, 2022-23 वित्तीय वर्ष की बात करें, तो लगभग जो है 1500 पारिवारिक बंटवारा कराया जाए गया, जो कि एक साल में, देखिए मात्रा कितना कम है। तो कहीं ना कहीं लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्ट ना लेने का कई सारे वजह हो सकते हैं, जो भी ये प्रक्रिया है हो सकता है कि कठिन होगा, दूसरा इसमें तकनीकी खराबी भी इसमें होने की संभावना है, क्योंकि कई बार विभाग कहती है कि हाँ इसमें जो है तकनीकी भी खराबी है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो इस रिलेवेंट कर्मी होते हैं अधिकारी होते हैं इसका खर्चा कम लगता है 100 रुपया, इसलिए जो इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, आपका ये काम नहीं हो पाता है, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं होता है, कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है सरकार इस पर जोर दे रही है कि अगर आपका भी जमीन आपके दादा परदादा के नाम से है तो अपने नाम से जमाबंदी जरूर करवा लीजिए पारिवारिक बंटवारा के तहत। अब समझते हैं कि आपका जो पारिवारिक बंटवारा है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आप जान गए इसके बारे में, आप करवाना चाहते हैं तो किस तरह से करवाएंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपके जमीन में जो भी शेयर होल्डर है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो जमीन है दादा, ठीक है, परदादा, या फिर आपके पुश्तैनी जमीन है, तो आप सभी जानते हैं कि उसमें जो है कई सारे शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, इस तरह से शेयर होल्डर होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके जमीन में कितने हिस्सेदार हैं, ठीक है, तो उन सभी का जो है सहमति आपको चाहिए। अगर कोई सहमत नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो भी इसमें लोग नीचे रहेंगे उन सबको अपना जो भी नाम है दे सकते हैं मानने के लिए, ठीक है।
तो मान लीजिए अगर ये तीनों सहमत है कि हाँ पारिवारिक बंटवारा होना चाहिए तो आप करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जाना है कहाँ, निबंधन कार्यालय में, ठीक है। निबंधन कार्यालय में जाएंगे और अपना जो निबंधन है 100 रुपया खर्चा करके प्रति डीड आप करवा लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन तीनों में से अगर कोई एक एग्री नहीं करता है तो आप यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है फॉलो नहीं कर सकते हैं। में जो है सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे होता है कि आज के डेट में भाई भाई में नहीं जमता है, ठीक है। अगर कोई एग्री करेगा तो कोई नहीं करेगा तो फिर ये वाला जो प्रोसेस है फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कंडीशन है तो आप तो ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ऐसा कंडीशन नहीं है, ठीक है, सभी भाई एग्री कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा सकते हैं, तब जाकर जो है पारिवारिक बंटवारा आपको करवानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका जो पारिवारिक बंटवारा है वो किस तरह से होता है, किस तरह से आपको करवानी होती है। देखिए, सबसे पहले जो भी आपके भाई हैं, मतलब कि जो भी आपके हिस्सेदार हैं, वो सभी सहमत हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपना जो भी निबंधन कार्यालय होता है, जो कि आपके कहीं भी हो सकता है, जिला में या फिर जहाँ भी आपका है, उस कार्यालय में आपको जाना है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो भी नोटरी विक्रेता होते हैं, ठीक है, उनसे आपको कहना है कि मुझे जो है पारिवारिक बंटवारा करवाना है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे क्लियर करके नहीं बताऊँगा, एक लंबा प्रोसीजर होता है, सभी चीज़ ऑनलाइन आपको नहीं मिल पाएगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो जो भी वहाँ पे नोटरी विक्रेता होते हैं उनसे आपको बात करनी होगी, इसका जो प्रोसेस है उसको मतलब पूछनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह से हमारा होगा, हम सभी भाई सहमत हैं और पारिवारिक बंटवारा यहाँ पे करवाना होता है, करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई आपका खर्चा नहीं लगता है, 50 रुपये जो है आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज और 50 रुपये आपका स्टाम्प का चार्ज लगता है, ठीक है। मतलब प्रति डीड 100 रुपये आपको देना होगा और आपका जो पारिवारिक बंटवारा है यानी निबंधन है वो कर दिया जाएगा, और जितने भी शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उन सब से, उन सब के नाम से जवाबबंदी हो जाएगा, जमीन रजिस्ट्री हो जाएगा, यानी कि निबंधन हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी इसमें पार्टीशन वाला दाखिल खर्च होता है उसको आवेदन कर सकते हैं, फिर आपका जमीन आपके नाम से कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है पूरा इसका प्रोसेस होता है। अब इसमें देखिए बहुत सारे दिक्कत भी होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरी ढंग से काम नहीं करता है। कई बार देखेंगे तो जो भी कर्मचारी होते हैं इस रिलेवेंट, ठीक है, या फिर कोई अधिकारी होता है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, मतलब इसमें खर्चा कम लगता है, फिर इसमें तकनीकी खराबी भी होता है, बहुत बार वर्क नहीं कर पाता है, फिर इसमें देखेंगे तो बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो पाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो इसका जो रेशियो है बहुत कम है, लेकिन सरकार जो अभी जोर दे रही है, क्योंकि अगर आप पारिवारिक बंटवारा करवा लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, जो भी आपका शेयर होगा वो आपके नाम से कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सारे काम को करवा सकते हैं। बाकी मैंने ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया हुआ है। और इससे पहले आप सभी जानते हैं कि मैंने जो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि आपके जो हल्का है ना वहाँ पे जो इसका कैंप है वो लगाए जाएंगे। तो कैंप कहीं लगा कहीं नहीं लगा, वैसे सरकार ने नोटिस जारी करके बताया हुआ था कि सभी पंचायत के हल्का में लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कई जगह लगा ही नहीं। तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और अपने ज़मीन का जो जवाबबंदी है अपने नाम पे करवा सकते हैं पारिवारिक बंटवारा के अनुसार। उम्मीद है दोस्तों मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें नीचे बता सकते हैं। हालांकि सभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा एक टॉपिक है, सभी चीज़ों को मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।